कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ कतरास कोयलांचल की कोलियरियों में हड़ताल असरदार रहा। सुबह प्रथम पाली में मजदूरों ने हाजिरी नहीं बनाया। सुबह 8 बजे मजदूर कोलियरी खदान व परियोजना फेस पहुंचे, लेकिन किसी ने भी हाजिरी नहीं बनाया। स्वेच्छा से मजदूर हड़ताल पर चले गए। कतरास क्षेत्र के संयुक्त अंगार पत्रा रामक नाली केसलपुर मोडीडी समेत अन्य कोलियरों में काम पूरी तरह से ठप रहा। मजदूरों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। सरकार तानाशाही बंद करे, मजदूर विरोधी नरेंद्र मोदी होश में आओ, तुगल की फरमान जारी करना बंद करो। सुबह हड़ताल में राजेंद्र प्रसाद राजा, विमलेश चौबे, गोवर्धन महतो, सरोज उपाध्याय, राजेश मंडल, पंकज सिंह, राजेश पासवान, रिजवान अंसारी, भुवन गो कंचन महतो, रविंद्र प्रसाद, निरंजन महतो, डीबी शर्मा, रामचंद्र पासवान, पुष्पा धोबी इत्यादि लोग शामिल थे। ये आप लोग का 3 दिन का हड़ताल भी चल रही है, इस पर क्या मांग है आप लोग का? ये हड़ताल केंद्र सरकार ने विशेष करके नरेंद्र मोदी तानाशाही रवैया अपनाकर हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीयकरण हम लोग का कोयला उद्योग है, सार्वजनिक उपक्रम है, राष्ट्रीयकरण की वजह से कोयले का पूरा प्रॉपर्टी देश का है, एक एक जनता का है, देश के नागरिक का है और देश का है। देश का ऊर्जा सुरक्षित रहे, उसका उपयोग ठीक से हो, उसका उपभोग ठीक से हो, जिसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी और जिसके वजह से आज हम लोग सारे लोग सार्वजनिक उद्योग के मजदूर है। सार्वजनिक उद्योग सरकारी उद्योग है, इसका एक एक रुपया, यदि सार्वजनिक उद्योग 5 रुपया कमाएगा तो देश का पैसा होता है और इसी को बर्बाद करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए पूरा पूरी कोयला उद्योग को निजी हाथों में देने के नियत से मोदी जी ने कमर्शियल माइनिंग का प्रस्ताव खुद लॉन्च कर दिया। एक प्राइम मिनिस्टर को यह नहीं करना चाहिए था। सारे कानून को ताक में रखे, कोई ट्रेड यूनियन से बात नहीं किया, कोई मजदूरों को विश्वास में नहीं लिया, देश का जनता को विश्वास में नहीं लिया, अपना लोकसभा को विश्वास में नहीं लिया और जबरदस्ती एक तानाशाही रवैया अपना कर एक तरह से अपना कमर्शियल माइनिंग का प्रस्ताव पारित कर दिया। जैसे प्रस्ताव पारित हुआ, हम लोगों ने 18 तारीख को स्ट्राइक नोटिस दिया कोल इंडिया में, देश को दिया, सरकार को दिया और स्ट्राइक हम लोग को 2 तारीख घोषणा किया। 2 से 2, 3, 4, 3 दिन का एक महा हड़ताल कोयला उद्योग में होगा और यह महा हड़ताल आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया और यह हड़ताल पूर्ण रूप से सफल होगा। मोदी जी हारेंगे, हम लोग जीतेंगे। इस कोरोना महाकाल महामारी में भी, कोरोना के काल में भी मजदूर ने बिना बीमा का, बिना इंश्योरेंस का मजदूर लड़ा है कोरोना से और कोरोना झेलते हुए, उस महामारी झेलते हुए आज भी महामारी हम लोग झेल रहे हैं। हम लोग के ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महामारी कमर्शियल माइनिंग के रूप में, निजीकरण के रूप में हम लोग पर थोप दिया है। हम लोग को दो दो महामारी से लड़ना पड़ रहा है और मजदूर लड़ रहे हैं, मजदूर जीतेंगे और इसी से हम सबसे निवेदन करेंगे। हमारे हड़ताल को बुद्धिजीवी समर्थन दे रहे हैं, जनता समर्थन दे रहे हैं, पत्रकार वृंद समर्थन दे रहे हैं, देश के सारे लोग समर्थन दे रहे हैं। आज बैंक वाला हमारा समर्थन में आ गया और लोग आ गए हैं और इसी तरह से मोदी जी से एक चीज कहना है, मोदी जी आपके राज में आपने एक सुई का कारखाना नहीं बनाया और आपने 24 पब्लिक सेक्टर को बेच दिया। इसके विरोध में हम लोग है, आप कम से कम एक कारखाना बना लीजिए, उसके बाद बेचने के लिए सोचिए और ये देश का प्रॉपर्टी कभी भी हम लोग बेचने नहीं देंगे। हम लोग अपना देश का एक एक जनता उसके लिए लड़ेगा, रक्षा करेगा और आज लड़ाई चालू है। 3 दिन के हड़ताल में कितनी यूनियन आपके साथ मिलकर के हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए? संयुक्त मोर्चा का मतलब ये हो गया कि टोटल यूनियन हमारे एक साथ हैं, BMS हो, C2 हो, जो भी यूनियन है सब एक साथ है। उसके अलावा बाहरी लोग भी, जो मजदूर हैं, बाहरी असंगठित मजदूर भी हमारे साथ हैं। मोदी जी का जो क्रियाकलाप है, जब से ये देश के प्रधानमंत्री के बागडोर संभाले हैं तब से इनका क्रियाकलाप मजदूर हित, जनता के विपरीत, मैंने जो भी है ये काम अपना करते जा रहे हैं। ये अपना चाहते हैं कि हम इस तरह का काम करें और अपना अपना नाम हमारा केवल हो, लेकिन अब हम लोग, हमारे मजदूर भाई हम लोग उनको दिखा देना चाहते हैं। आज के दिन में सुबह
से अभी सुबह 6 बजे का पल्ला 8 बजे का पल्ला में कोई भी मजदूर किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं दिया, न हाजिरी बनाया। मजदूर हम लोग एक साथ हैं और मजदूर ही एक साथ रहने से हम लोग विजय पाएंगे। जिधर जमात रहता है उधर ही विजय पाता है। और फीडबैक में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आएंगे। जय झारखंड, जय संयुक्त मोर्चा।